ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आपका पेपर 5, उसके अंतर्गत निकल के आ रहा था टॉपिक मास्टरी। मास्टरी क्या होता है, महारत क्या होता है, इसके बारे में हम समझ रहे थे पिछले वीडियो में। हम समझे थे, आपको मैं बता दूं तो पिछले वीडियो में आपको डेफिनेशन के तौर पर मैं बताया था और कुछ अर्थ बताया था महारत के, और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में एक और चीज हमने देखा था, डायमेंशन ऑफ मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषय पर महारत के आयाम के बारे में हमने देखा था। मैंने बात किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर के आऊंगा, जो कि है डायमेंशन ऑफ मास्टरी ओवर द डिसिप्लिन। इस सब्जेक्ट को आपके सामने लेकर के आया हूँ, स्क्रीन पे आपके शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायग्राम में बनाया हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के इससे अच्छा डायग्राम बना करके आप दें, ताकि आपको अच्छे मार्क गेन कर सके, ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सके। और मैं इसमें सारे पॉइंट जो देख रहे होंगे आप, इस फूल के तहत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि डायमेंशन ऑफ मास्टरी ओवर द डिसिप्लिन क्या होता है। तो इसके अंदर से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, लगभग देखिए तो इसमें कितना पॉइंट निकल के आता है, तो आप देख सकते हैं 6 पॉइंट निकल के आता है। इसके अंतर्गत हम समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, और इस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। या तो फिर आप कॉपी लीड ले लीजिए, कॉपी पेन, और लिखते चलिए, और ये पॉइंट आप लिख लीजिए मेन तौर पर, और उसको आप डिस्क्राइब कर लीजिए। पहला पॉइंट निकल के आता है, जब हम बात करते हैं अनुशासन पर महारत के आयाम की, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो पहला पॉइंट निकल के आता है आपके सामने में कि नॉलेज ऑफ ओरिजिन, यहाँ की नॉलेज का ओरिजिन क्या होना चाहिए। ये बात डिपेंड करता है जब आप आयाम की बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको शो कराता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है डिसिप्लिन ऑफ मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है ये नॉलेज, नॉलेज देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ ओरिजिन यहाँ देख सकते हैं, इस पत्ती में निकल गया आता है यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पर होल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में अनुशासन पर महारत के आयाम क्या है, तो इसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा इस पौधे के थ्रू। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉलेज ऑफ ओरिजिन पहला पॉइंट निकल के आता है। इसको समझते हैं कि क्या होता है नॉलेज ऑफ ओरिजिन, यानी कि जब हम डिसिप्लिन के बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंतर्गत आप पॉइंट को इस तरीके लिख सकते हैं कि डिसिप्लिन के अंतर्गत विषय से डिसिप्लिन के हम जानकारी या प्राप्त करते हैं या जानते हैं कि उस विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई या फिर प्रकरण कहाँ से हुआ। इसकी पूर्ण जानकारी जब हम प्राप्त कर रहे होते हैं, तो यही कहलाता है नॉलेज ऑफ ओरिजिन। जब हम किसी भी चीज का जानकारी ले रहे होते हैं, किसी भी चीज की जानकारी ले रहे होते हैं, तो जब हमको ये पता नहीं है कि वो जानकारी कहाँ से आई है, तो तब तक हम उस जानकारी पर जो है कि अच्छे ढंग से हम अपनी अस्तित्व को नहीं रख सकते या फिर महारत नहीं हासिल कर सकते। यही बात यहाँ से निकल के आया कि नॉलेज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, यानी कि जहाँ से वो नॉलेज की उत्पत्ति हुई है या फिर उस नॉलेज का प्रकरण हुआ है, खोज हुआ है, तो वो जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बात निकल के आता है अनुशासन के महारत के आयाम के रूप में। निश्चित रूप से यहाँ देखेंगे अनुशासन पर महारत के जो आयाम है ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर निकल के आता है कोरिलेशन, यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर निकल के आता है क्या, तो कोरिलेशन, इसकी हम बात करेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है। तब यहां से निकल के आता है कि कोरिलेशन यानी सहसंबंध, हिंदी में देखें तो इसका मतलब निकल के आता है सहसंबंध। अब सहसंबंध क्या होता है, तो देखेंगे कि डिसिप्लिन से संबंधित विषय के उच्च ब्रांच, डिसिप्लिन यानी अनुशासन से संबंधित विषय के उच्च ब्रांच के साथ साथ संबंधित विषयों का आपसी में तालमेल स्थापित करना, ताकि डिसिप्लिन की स्पष्टता सामने आ सके। ये चीज डिपेंड करता है, जब हम महारत की आयाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, अनुशासन के महारत के आयाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो कोरिलेशन के बारे में समझेंगे, तो निकल के आता है कि डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन से संबंधित है कि विषय के उच्च ब्रांच के साथ साथ संबंधित विषयों का आपसी में तालमेल स्थापित करना, ताकि डिसिप्लिन की स्पष्टता सामने आ सके। इस बात को लेकर के जब हम डिपेंड करते हैं या सोचते हैं, तब निकल के आता है कोरिलेशन के रूप में एक पॉइंट निकल के आता है, जो कि अनुशासन पर महारत हासिल करने के एक कदम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वैल्यूज, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है वैल्यूज, आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ है वैल्यूज।
वैल्यूज के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ से निकल के आता है कि वैल्यूज या मूल्य का मतलब होता है कि मानव के जीवन में मूल्य जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपों में विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता स्थापित करना। अब इस वैल्यू की बात करें, अनुशासन का ये आयाम होता है, अनुशासन का ये दायित्व, तो समझ लीजिए कि यह दायित्व होता है कि उसके जीवन में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के व्यक्ति के, मानव के जीवन में मूल्य की स्थापना हो, वो कैसी मूल्य होनी चाहिए, सामाजिक रूप से होनी चाहिए, आर्थिक रूप से होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से होनी चाहिए, इन सभी क्षेत्रों में, भिन्न क्षेत्रों में सहभागिता जब स्थापित करते हैं तब यहाँ पर निकल के आता है मूल्य वाली बात, यानी कि वैल्यूज वाली बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है रूल ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि नियम व सिद्धांतों की खोज। यहाँ देख सकते हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल, यानी कि नियम और सिद्धांत के बारे में हम समझते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है नियम व सिद्धांत की खोज कह लें एक प्रकार से। तो इस पॉइंट के अंतर्गत निकल के आता है कि डिसिप्लिन के अंतर्गत रूल्स एंड प्रिंसिपल, यानी हर विषय के डिसिप्लिन के अंतर्गत, यानी अनुशासन के तहत उसके कायदे होते हैं, उसके कुछ न कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, यानी कुछ न कुछ कायदे होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, आपको उसी के अनुसार कार्य को अंजाम देना होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, अनुशासन की, तो बड़े लेवल पर बात हो रहा है यहाँ पे। जब आप बड़े लेवल पर बात कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ सिद्धांत होगा, उस सब्जेक्ट का कुछ न कुछ नियम होगा, उस अनुशासन का कुछ न कुछ नियम होगा, तो उसी के अंतर्गत आपको उसका ज्ञान हासिल करना होता है, उसका अपने जो कायदे कानून है, कायदे सिद्धांत है, उसके बारे में सोचकर उसी के अनुसार कार्य करने के लिए आपको अंजाम दिया जाता है, यानी कार्य करना होता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट जो पॉइंट है निकल के आता है, देख सकते हैं एप्रिसिएशन, यहाँ देख सकते हैं एप्रिसिएशन निकल के आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एप्रिसिएशन क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं कि एप्रिसिएशन होता है किसी भी विषय अथवा विषय के अनुसंधान में बेहतर कार्य करने हेतु भावनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी? तो एप्रिसिएशन की आवश्यकता होती है कि जब हम किसी विषय अथवा विषय के अनुशासन में बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने की जब सोच रहे होते हैं तो उसमें भावनात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है? एप्रिसिएशन से मिलती है। नेक्स्ट तौर पर निकल के आता है क्वेश्चन जो होता है रिसर्च वर्क, देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है जो कि लास्ट पॉइंट होगा कि क्या है, तो देख सकते हैं रिसर्च वर्क क्या होता है, यानी कि रिसर्च वर्क ये लास्ट में आता है, तो रिसर्च वर्क के बारे में समझ लेते हैं कि इस पॉइंट के अंतर्गत क्या निकल के आता है कि डिसिप्लिन का अंतिम पड़ाव होता है, यानी अनुसंधान का अंतिम पड़ाव क्या होता है, तो रिसर्च वर्क, जिसके तहत उपरोक्त डिसिप्लिन या अनुसंधान पर निपुणता आ जाने पर उस पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। जब हम सारे कुछ जान लिए होते हैं, सारे कुछ जानते हुए जब महारत हासिल कर लिए होते हैं किसी भी अनुशासन में, विषय अनुशासन में, तो हम इसका जो मतलब निकालते हैं रिसर्च करके। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका सारे चीज़ को रिसर्च करते हैं कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, इन सभी चीज़ों को जब हम व्याख्या करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम रिसर्च करते हैं, उसी को हम रिसर्च वर्क कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको निकल के आया किससे? तो अनुसंधान पर महारत हासिल करने से। अनुसंधान पर महारत हासिल करने से निकल के आया, यानी कि डायमेंशंस ऑफ आयाम ओवर डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन पर महारत हासिल करने के आयाम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है नॉलेज ऑफ ओरिजिन, दूसरा है कोरिलेशन, तीसरा है वैल्यूज, उसके बाद है रूल एंड प्रिंसिपल, उसके बाद है एप्रिसिएशन, उसके बाद है रिसर्च वर्क। ये पॉइंट आपको, 6 पॉइंट दे दिए मैंने, इसको मैं डिस्क्राइब कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ मास्टरी, देख सकते हैं मास्टरी फॉर टीचर, यानी कि जो इम्पोर्टेंस कह ले तो इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरी फॉर टीचर, यानी इसके बारे में हम बात करेंगे कि शिक्षक के लिए विषय महारत का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे जो शिक्षक को लेकर के निकल के आएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये बात देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us.